क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद हसन है, मैं शिया यूथ फेडरेशन में स्पोर्ट्स पर्सन और मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो शिया यूथ फेडरेशन है उसका मोटो क्या है। ये लास्ट ईयर जो पैंडमिक हुआ था उसके बाद हमने 20 लोग हैं करीब हम लोग जिन्होंने ये शिया यूथ फेडरेशन स्टार्ट किया और इसका मोटो यही है। हमने 4 पॉइंट्स पे ही काम करना शुरू किया था। एक तो जो किसी गरीब यतीम बच्ची हो उसकी शादी कराना, दूसरा ये कि भाई जो भी ज़रूरतमंद हैं जिनके पास अनाज नहीं है उनको अनाज देना, तीसरा ये है कि भाई किसी के पास प्रॉब्लम है कि मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो दवा का पर्चा लाए तो हम उसका पूरी फी पे करेंगे, और कोई बच्चा जो स्कूल में पढ़ नहीं पा रहा है तो उसकी फीस वगैरह भी सारा हम सीखें। अच्छा, क्या सिर्फ लॉकडाउन के चलते आप कर रहे हैं या पहले भी करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे? नहीं, पिछले लॉकडाउन में भी हमने किया था लेकिन विदाउट हमने कोई फेडरेशन, इंडिविजुअली हमने किया था, लेकिन उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम इसको एक अच्छे लेवल पे ही ले जाना चाहेंगे। जब हम अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए हमें एक फेडरेशन चाहिए हो, उस बेसिस पे हमने अपने 20 लोग को कलेक्ट किया, हमने उनसे डिस्कस किया कि भाई हमारा ये मकसद है, आप लोग ज्वाइन करना चाहिए, सबने फिर उसमें हाथ धोई और फिर हमने फिर ये स्टार्ट किया। आज यहाँ पर किस तरह से लोगों को आप राशन बांट रहे हैं? अब जितनी हमारा जो राशन बांटने का तरीका यही है कि भाई हमने बिना भेदभाव किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो बंदा उसको हम राशन बांट रहे हैं, और हमारा मकसद ये है कि पहले हम ऐसे ही नहीं सबको राशन बांट रहे, हमारी हर एरिया में एक इन्वेस्टिगेशन टीम है जो आइडेंटिफाई करती है कि बंदा ये हकदार है या नहीं है। जो हकदार होता है हम उसी तक, क्योंकि हम हर एक तक को पहुँचा भी नहीं सकते, आपको पता है इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, पर जो जायज हो जो हकदार हो उनको हम उनका आधार कार्ड लेते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, हमारे उस एरिया में जो टीम है वो आइडेंटिफाई करती है कि भाई ये बंदा सही है गलत है या ये है हकदार या नहीं है, उस बेस पे ही हम वो लिस्ट बनाते हैं, फिर उनको हम कॉल करते हैं, फिर हम उनको। आपसे कैसे संपर्क बने लोगों को, अगर चाहिए हो तो कैसे संपर्क बनेगा उससे? हमारा जो हमारी एक शिया यूथ फेडरेशन की एक फेसबुक की साइट है उस पर हमने नंबर्स वगैरह सारे शेयर किए हैं, कोई भी धर्म। क्या साइट है उसका नाम बता दिए? शिया यूथ फेडरेशन नाम से, उस पर हमने नंबर्स भी डाल दिए हैं कि किसी को भी किसी भी धर्म किसी भी जाति का कोई बंदा हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, ज़रूरतमंद हो तो अब जहाँ पे भी हो हम पहुँचाएंगे। अच्छा, जिसको नहीं आता इंटरनेट चलाना तो वो कैसे आपसे संपर्क करेगा? देखिए, इंटरनेट के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे इंटरनेट आज के टाइम पर आपको पता है सबके पास मोबाइल है, तो मोस्टली तो हम इंटरनेट से ही करते हैं। उसके अलावा हम लोगों से भी कह रहे हैं कि भाई जिसको जो ज़रूरत हो आप अपने एरिया में पता करिए, जो भी जायज बंदा हो जो भी हकदार बंदा हो तो हम उस तक हम सारी चीज़ें पहुँचा। कोई नंबर है आपका ऐसा जो बताना चाहते हैं आप? हाँ, हमारा नंबर है शोएब भाई, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं दानिश भाई, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने ऑलरेडी सारे नंबर शेयर कर रखे हैं और हम आपको भी शेयर कर देंगे ताकि आप भी लोगों तक शेयर करिए उनको जितना भी कर सकते हैं थ्रू डिजिटल मीडिया। क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम मोहम्मद शोएब है। अच्छा, आप जो इस संस्था के प्रेसिडेंट हैं तो किस तरह से कार्य कर रहे हैं, आपकी किस तरह की कार्य कर रही है आपकी संस्था? देखिए, पिछले लॉकडाउन से हम लोग जो है इस काम में उतरे थे कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके घर तक हम चुपचाप जाके उनको राशन पहुँचा दें, ताकि रमज़ान का महीना था, ईद भी आने वाली थी, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो पाए और हमारी मदद उनके लिए शर्मिंदगी ना बने, तो हम चुपचाप जाके उनके घर में राशन पहुँचा। जब ये साल आया फिर वही दिक्कत आई, तो हम लोगों ने हमें सब दोस्तों ने मिलकर एक शिया यूथ फेडरेशन बनाई जिसमें हम 20 लोग हैं। हम लोगों का ये मोटिव था कि हम लोग जो गरीब लड़की है उसकी शादी में 10,000 रुपये दें और राशन की मदद करें, लेकिन ये अचानक इस पैंडेमिक में सबसे मेन मोटिव हमारा राशन हो गया। उसके लिए हम लोगों ने फेसबुक के माध्यम से मैसेज जारी किया कि कोई भी ऐसी दिक्कत हो तो आप हमारे नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट करें। बाकी जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं हमने वहाँ मैसेज डाला कि जिनको भी ज़रूरत है वो आएँ शिया यूथ फेडरेशन से रब्ता करें और हर उनकी मदद राशन के जरिए उनकी करी जाए। और लगभग 4 दिन से हम लोग 5 दिन से जब से लॉकडाउन हुआ है हम लोग लोगों को राशन पहुंचा रहे हैं और अब तक लगभग हम लोग 500 घर में राशन पहुंचा चुके हैं। और हमारा ये भी मोटिव है कि हम जब तक ये लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा उसके बाद भी हम इस समाज में कुछ ना कुछ कार्य ऐसा करते रहेंगे ताकि लोगों को हम भला कर सकें, क्योंकि हमारा मोटिव यही है।